एक्टिंग करनी है तो फिल्मों में कर लो ना, रियल लाइफ में क्यों एक्टिंग करनी है। ऐसे बहुत लोग है जहाँ खाना नसीब नहीं हो रहा लोगों को। आप जा रहे हो जाओ, बट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया यार। बॉलीवुड की लाइन ऐसी है चकाचौंध की, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देयर वाज नो वन टू गाइड मी, कोई था नहीं। आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब, इरफान भाई, एंड इरफान भाई हमारे बीच में नहीं है, सो इरफान भाई के साथ तो काम नहीं हो पाया। मैं एक मिडिल क्लास, और मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ तक पहुंचा। साउथ में तो बहुत प्यार दिया लोगों ने, अब बॉलीवुड की बारी है। तो आज हमारे साथ है एक्टर कबीर दोहन सिंह, जो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा इंडस्ट्री में कई फिल्में करने के बाद अब हिंदी सिनेमा की तरफ अपना कदम रख रहे हैं। सो वेलकम कबीर। थैंक यू फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन मैम, थैंक यू। ओके, सो कबीर आप हरियाणा से हैं आई गेस, राइट? यस। सो और आपने अपने करियर की शुरुआत की साउथ इंडस्ट्री से, तो ये नॉर्थ से साउथ का जो अपना आपका सफर था वो आपने कैसे तय किया? मैम, इसके बीच में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई हैं। जैसे आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हरियाणा, उसके बाद मैं जब छोटा छोटा था तो फैमिली शिफ्टेड टू फरीदाबाद, एक छोटा सा टाउन है दिल्ली के पास, तो वहाँ हम शिफ्ट हो गए। देन मैंने स्कूलिंग वहीं से की। आफ्टर दैट आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टार्ट मॉडलिंग फ्रॉम माई कॉलेज डेज। मैंने ऐसे प्लान, मतलब जैसे ट्वेल्थ में था तो था कि कॉलेज से मॉडलिंग स्टार्ट करूंगा दिल्ली से, और मैंने अपना पहला फैशन शो सेकेंड ईयर में अब दिल्ली से किया था यूनिवर्सिटी से। सो उस टाइम अभी चीजें तो पता नहीं थी कि मॉडलिंग का ABCD क्या है, बिकॉज देर वॉज नो वन टू गाइड मी, कोई था नहीं। वट आई डिड, आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब पे कि मॉडल्स कैसे वॉक करते हैं, कैसे फोटो सेशन होता है, कैसे वो पोज करते हैं। तो जैसे आज तो मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ, मुझे मैसेज आते हैं तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि क्या, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। जैसे हरियाणा से बहुत मैसेज आते हैं, बट उस टाइम कोई था नहीं। देन मैंने पहला पोर्टफोलियो किया, एंड राहुल दत्ता ने पहला शूट किया, एंड ही स्टार्टेड गिविंग मी जॉब्स लाइक फोटो शूट की, क्लाइंट है लुधियाना क्लाइंट है। सो ये चीजें हुई। अब 2008 में मैंने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड में मैं टॉप 10 में आउट हुआ। मैं दिल्ली से सिलेक्ट हुआ, ऑडिशन दिया, पहली बार बॉम्बे में आया 2008 में। एंड आफ्टर दैट मैं 2009 में लैक्मे का ऑडिशन देने आया, ट्रेन में बैठा ऑडिशन देने आया, मैं सिलेक्ट हो गया। सो चीजें वहां से शुरुआत हुई। फिर मैं वापस दिल्ली आ गया 2009-2010, मैंने दिल्ली में मॉडलिंग की, एंड 1 जनवरी 2011 को मैं बॉम्बे फाइनली शिफ्ट हुआ, जब मेरे दिल से आवाज आई कि नाउ यू आर रेडी, यू शुड मूव टू बॉम्बे नाउ। अब बॉम्बे में चला गया, एंड उसके बाद मैं बहुत टाइम से इंटरनेशनल मार्केट के लिए ट्राई कर रहा था। दैट वॉज माई ड्रीम कि मैं आई वॉन्ट टू यू नो वर्क इंटरनेशनली एज अ मॉडल। सो मुझे फैब में मुझे केपटाउन से कॉल आई पहली फ्रॉम बेस मॉडल्स की, हाई कबीर, वी रियली लाइक योर पिक्चर्स एंड वी वॉन्ट यू यू हेयर फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। सो मुझे उन्होंने टिकट्स भेजी, एंड आई वेंट टू केपटाउन, आई वर्क देयर, वापिस आया। एंड देन क्या होता है ना कि हमारे देश में, इंडिया में स्पेशली, जब आपके पास बाहर का ठप्पा लग जाता है ना इंटरनेशनल का, तो थोड़ी सी लोगों में वाहवाही हो जाती है कि अरे यार ये बंदा, ये डायरेक्टर ने वहां पर काम किया, ये एक्टर ने वहां पर काम किया। जब मैं वापस आया तो थिंग्स गॉट चेंज, एंड लोगों ने मुझे और बड़े शोज देना शुरू कर दिया। लैक्मे ने मुझे पूल मॉडल साइन कर लिया, एंड आई सारे बड़े शोज करने लगा था मैं। सो देन आई प्लान कि अब दिस इज द राइट टाइम दैट आई मूव टू साउथ। आई वॉज नॉट हंग्री फॉर बॉलीवुड दैट टाइम, इन 2014 में आपको बता रहा हूँ कि आई वॉज ऑन दैट टॉप लीग मेल मॉडल्स। सो चीजें हो चुकी थी। एक होता ना कि हाँ अभी इतना काम कर लिया, अभी वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ, बिकॉज क्या होता है आपको टाइम के अकॉर्डिंग चलना होता है। वक्त के अगर आप अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो वक्त आपके पीछे छोड़ देता आपको। सो चीजें, देन आई स्टार्टेड कॉलिंग साउथ पीपल जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, देन आई स्टार्टेड कॉलिंग देम, मैसेज करना शुरू कर दिया मैंने उनको, बट कुछ नहीं हुआ। सो ऑल ऑफ सडन 2014 में जुलाई में मुझे कॉल आती है कि हाई, वी लव योर पिक्चर्स एंड कबीर, वी वॉन्ट यू एज अ मेन लीड विलन इन दिस फिल्म। मेरा डेब्यू था जिल। So they booked my tickets and they called me to Hyderabad. They took my look test. Audition hua mera, and wo audition mein select ho gaya, and then mujhe meri pehli film mili Jul. Wo film achhi chali thi, but us film ne mujhe banaya. I am thankful to Radha sir. I'm so grateful. In the history of South cinema, wo film release hui hai, and mujhe 7 dino ke andar 11 films sign ki thi.
So, Jill, and I've got a nomination for two best villain of 2015 in IFA. So, IFA mein gaya to pehli baar, you know, bas TV par award shows dekhe the, to pehla award show tha mera IFA, I was sitting in front row and I was so happy. Aur jab main wahan gaya to wo interviews hote hain na, jaise har log aate, hey, Jill villain. Yeah. So, wo jo chakka chond hoti hai, ma'am, wo, I can, main ek middle class aur main kahan se aaya hoon, I know from where I started. और मैं कहां तक पहुंचा आज 40 फिल्में साउथ में हुई हैं वर्किंग विद अजीत सर सुदीप सर गोपीचंद साईंधरम थे पवन कल्याण जो सुपरस्टार थे तो वो जो जो इंटरव्यूज लेते हैं ना वहां की हे जिल विलन इज हियर सर हाउ दिस इज योर फर्स्ट अवार्ड एंड यू नो आप नॉमिनेट हैं बेस्ट फिल्म के लिए कैसे फील है तो वो जो वो फील होती है मैं उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं मैम सो चीजें वहां से शुरुआत हुई इट्स बीन मोर देन फाइव ईयर्स नाउ 40 फिल्म्स एंड अब दिल ने दिल से आवाज आई कि I'm ready for Bollywood now. Okay. So, आपने जैसे बोला कि स्टार्टिंग में आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं था लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी बोला कि एक बार जब साउथ में आपका परफॉर्मेंस देख लिया गया तो आपको एक साथ इतनी फिल्म्स ऑफर की गई तो यहाँ पे कहीं पे आपको ऐसा लगा कि नेपोटिज्म का कोई रोल साउथ में क्या ऐसा होता है कि कहीं पे आपको होल्ड बैक किया गया हो इस वजह से मैम मेरे लिए नेपोटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर ने एक बात बोली थी हमेशा कि मेहनती का राम हिमायती थी कि जो मेहनत करता है उसको हिमायत मिलती है भगवान उसको सपोर्ट करता है इट्स जस्ट थोड़ा टाइम लगता है चीजों में मैं अपनी आपको बता रहा हूँ कि मैंने वो रास्ता अपनाया साउथ का कि ऐसा नहीं था मुझे बॉलीवुड से कॉल्स नहीं आ रही थी पिछले 3 साल से मुझे 4 साल से मुझे बहुत अच्छी कॉल्स आ रही थी बॉलीवुड इट्स जस्ट कि आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट कॉल राइट डायरेक्टर एंड राइट स्क्रिप्ट जो जो मेरे करियर को ऊपर लेके जाए जिसमें मैं फिट बैठूं एक्चुअली क्या होता है जो हमारे यहाँ के एक्टर्स है जैसे बहुत लड़के बाहर से आते हैं लड़के आते हैं उनको ये नहीं पता होता कि वो कहाँ फिट होते हैं उनको क्या करना चाहिए वो टीवी करना चाहते हैं वो टीवी में फिट होते हैं वो म्यूजिक वीडियोज करना चाहते हैं या वो कॉमेडियंस हैं या वो यो फिल्म में कहाँ फिट होते हैं क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से पता था मैम ये बात कि मैं कहाँ फिट होता हूँ तो मैंने वहीं पर ही तीर चलाया अपना सो मेरे लिए साउथ में देयर इज नो नेपोटिज्म मैम जो मेरी किस्मत का वो मुझे ही मिलेगा और इफ आई एम गुड पीपल विल लव मी पीपल विल टेक मी सो बॉलीवुड में भी मुझे बहुत बड़े बैनर से कॉल आई थी पिछले 2-3 साल पहले बट लाइक आई सेड कि आई वाज वेटिंग फॉर अ कॉल कि जो मुझे चाहिए और आई ऑलवेज गो फॉर विद माय गट फीलिंग कि अगर ये मेरे करियर के लिए अच्छा है तो मैं ये करूंगा और अगर ये नहीं है सो मैं नहीं करूंगा मैम चाहे वो कितनी बड़ी फिल्म हो और आई गो फॉर कंटेंट ऐसा नहीं होता कि मुझे 2 करोड़ की फिल्म नहीं चाहिए मुझे 50 करोड़ की फिल्म चाहिए अगर कंटेंट वो 2 करोड़ वाली का अच्छा है मैम आई गो फॉर वो दैट स्मॉल फिल्म क्योंकि 100 करोड़ वाली फिल्म भी फ्लॉप होती देखी है हमने और 2 करोड़ वाली फिल्म हिट होगी वो 20 करोड़ कमा जाती है सो मेरे लिए नेपोटिज्म नहीं मैटर करता मैम आई एम वेरी मच हैप्पी आई एम एट द एज ऑफ 33, 42, 41 फिल्म लीड विलन्स एंड कमिंग टू बॉलीवुड रामयुग रावण आई थिंक रावण संसार का सबसे बड़ा विलन है So, मैं उससे एंट्री कर रहा हूँ सो वेट किया सबर का फल अच्छा होता है लोग कहते थे बड़े बूढ़े अपने सो आई एम हैप्पी एंड आई एम श्योर पीपल विल लव मी द वे आई प्लेड दिस कैरेक्टर बिकॉज मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी सो थैंक्स टू कुणाल सर कि ही गॉट मी दिस माई ड्रीम रोल आई ऑलवेज वांटेड सी रावण तो हर एक्टर का ड्रीम है करना इट्स नॉट मी मेरा तो सपना था ही कि मैं यू नो डेब्यू हो तो वो बड़े तरीके से ग्रैंड डेब्यू हो बट रावण एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो दुनिया का हर एक्टर प्ले करना चाहे अपनी लाइफ में एंड स्टोरी आप कहानी आपके सामने है पिछले 5 सालों में क्या किया मैंने कौन कौन सी फिल्में की हैं सो इट्स ऑल सेट नाउ तो ये जो वेब सीरीज है रामयुग आपको किस तरह से ऑफर हुई मतलब आपने इसके लिए अप्लाई किया ऑडिशन दिया या आपको सामने से ये ऑफर की गई क्या प्रोसेस था इसका इसका प्रोसेस ऐसा हुआ मैम कि मैं साउथ में पहलवान शूट कर रहा था हैदराबाद में रामोजी पहलवान मेरी बहुत बड़ी फिल्म थी सुदीप सर के ऑपोजिट पैन इंडिया रिलीज हुई थी वो सो एक अपने कास्टिंग डायरेक्टर हैं जोगी भाई साहब बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर बहुत ही अच्छे इंसान हैं सो उनका मुझे एक दिन कॉल आता है कि बेटा कहाँ पर है मैंने कहा सर मैं तो यहाँ हूँ आई एम शूटिंग फॉर पहलवान आई मीन हैदराबाद ही सेड व्हेन यू कमिंग बैक आई सर आफ्टर 3 डेज ही सेड यू कम एंड कॉल मी तो मैं वापस आया अब जब कास्टिंग डायरेक्टर आपको फोन करता है तो यू मैं हमेशा ऊपर वाले को देखता हूँ कि कुछ अच्छा हो क्योंकि मैं वेट कर रहा था 3 सालों से
So, मैं वापस आया, मैंने उनको कॉल किया. He said, you come tomorrow and I want to take one look test. मैंने कहा ठीक है सर. ये जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है, ये सस्पेंस बना के रखते हैं, कुछ डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि किसने टेस्ट ले रहे हैं. सो ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं अपने, तो ये सस्पेंस बना के रखते हैं कि यार ये फिल्म नहीं बतानी अभी, या ये पहले क्लियर हो जाएं चीजें तभी हम बताएंगे. सो मैंने ऑडिशन दे दिया अपना, और मैं अपना, मुझे एक और फिल्म मिल गई. मैं वो फिल्म शूट के लिए चेन्नई चला गया. 5 दिन के बाद मुझे कॉल आता है दोबारा कि कबीर, वेयर आर यू? मैं कहा सर, आई एम शूटिंग फॉर माय तमिल फिल्म. एंड ही सेड, व्हेन यू कमिंग बैक? आई सेड, आफ्टर 5 डेज. ही सेड, यू कम एंड कॉल मी. देन अगेन मैं वापस आया, मैंने कॉल किया, तो इन्होंने मुझे बोला यू गो एंड मीट कुणाल टुमारो. तो अभी भी मुझे कुछ नहीं पता. जब मैं कुणाल सर से मिलने गया, तो मुझे वहां पर चीजें पता लगी कि यू नो दिस इज फॉर रावण. एंड तो खुशी का ठिकाना नहीं था, वो मैं जाहिर नहीं कर सकता था, बट वो अंदर अंदर होते ना कि बटरफ्लाई, पेट में बटरफ्लाई दौड़ रही है अंदर. सो रावण इज समथिंग, इट्स एन अमेजिंग कैरेक्टर. उसमें शेड्स बहुत हैं. इसी दुनिया में, दुनिया को लगता है अहंकारी, क्रूर राजा, ऐसा नहीं था वो. सो रावण ने, ही वॉज अ फैमिली ओरिएंटेड मैन. सो आई एम हैप्पी, ऐसे मुझे फिल्म मिली, कुणाल सर से मुलाकात हुई, रीडिंग हुई, ऑडिशन दिया मैंने इस रोल के लिए, एंड देन मुझे ऑडिशन से ही मिला है रोल. सो ऐसा नहीं है कि जो बाहर से लड़के आते हैं उनको काम नहीं मिलता है. सी, मैंने अपनी पहली फिल्म का, जिल का, जो मेरी तेलुगु फिल्म थी मैम, दैट फिल्म मेड मी. मैंने उस फिल्म का भी ऑडिशन दिया था, और जो मेरी बॉलीवुड की पहली सीरीज आ रही है जो रामयुग, उसका भी मैंने ऑडिशन दिया था. तो ऑडिशन होते हैं, एंड देयर आर गुड कास्टिंग डायरेक्टर्स देयर. जो बाहर से लोग आते हैं उनको काम मिलता है मैम, जरूर. जस्ट फोकस, यू जस्ट नीड टू हैव फोकस, एंड जस्ट डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. ऐसे ही, मतलब कि अगर एक साल काम नहीं मिला, 2 साल, हमारे सामने एग्जाम्पल है नवाज भाई ने 20 साल का स्ट्रगल किया. कितने छोटे छोटे रोल, MBBS में वो कितना छोटा सा चोर का रोल किया था, बहुत छोटे छोटे रोल उन्होंने करके आज सी वेयर इज सिटिंग. तो डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. Yes. तो अब तक हम सबको ये क्लियर हो चुका है कि आपको विलेन के रोल्स करना काफी पसंद है, और आप बखूबी उसको करते भी हैं. यू फिट इन परफेक्टली. तो लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको टाइपकास्ट कर दिया जाएगा इंडस्ट्री में, और फिर वैरायटी ऑफ रोल्स आपको नहीं मिलेंगे? मैम, सी, आई डोंट थिंक दैट वे. मैं देखो, फिल्म में 3 लोगों को नाम आता है बस, हीरो, विलन या कॉमेडियन. कुछ लोग हीरो होते हैं, मैंने विलन चुना. मैं हमेशा शुरू से ग्रे शेड कैरेक्टर्स मुझे करना बहुत पसंद है, बिकॉज इन कैरेक्टर्स में शेड होती है मैम, करने को बहुत कुछ होता है. हीरो क्या होता है, लवी डवी होता है, वो बस वो प्यार करता है, गाने गाता है, एंड कहानी खत्म. बट विलन के पास, आई एम बिग फैन ऑफ हेथ लेजर, जिन्होंने जोकर प्ले किया था, फर्स्ट जोकर. सो अमरीश पुरी, आइकॉनिक विलन्स आ रहे, अमजद खान, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बचपन से इनकी बहुत फिल्में देखी हैं. सो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं टाइपकास्ट हो जाऊंगा. एग्जाम्पल, हमारे सामने सोनू सूद भी हैं, एंड विद्युत जामवाल भी है, जिन्होंने, विद्युत ने वहां पर 5-6 फिल्में की, मेरी तो खैर 40 फिल्में हो गई हैं. सो विद्युत ने 5-6 फिल्में की थी, एंड देन ही गॉट हिज फर्स्ट फिल्म ऑपोजिट जॉन, एंड देन आफ्टर दैट ही इज डूइंग ऑल हीरोज. सो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी क्या वक्त बदल चुका है. इफ यू आर गुड, पीपल विल टेक यू. एक्शन फिल्में बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक्शन फिल्में नहीं बन रही. अभी लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसी कबीर सिंह जैसी फिल्में बन रही हैं अभी. KGF कितनी हाईली एक्शन पैक्ड फिल्म थी. मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ, कब्जा. इट्स अ कन्नड़ा फिल्म, बट दैट फिल्म इज रिलीजिंग इन 9 languages. सो दैट्स बेस्ड ऑन ऑल गैंगस्टर्स. सुदीप सर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट फिल्म. प्रकाश राज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट फिल्म. सो आई एम प्लेइंग वन ऑफ द गैंगस्टर्स. सो वो क्या गैंगस्टर वाली फिल्म है सारी. तो ऐसा नहीं है कि मैं टाइपकास्ट हो जाऊंगा यार. मुझे एंटी हीरो कैरेक्टर्स करना बहुत पसंद है, लाइक यश ने प्ले किया KGF में, और सी राणा गॉट अ ह्यूज नेम फ्रॉम बाहुबली. सो ऐसा नहीं है, अभी चीजें बदल रही हैं, एंड यू नेवर नो रामयुग के बाद कौन डायरेक्टर क्या देखेगा. यू नो, सी, आई एम टॉल, आई एम 6 feet, आई हैव गॉट, सो सब चीजें हैं. तो सो आई एम वेरी मच हैप्पी, वेरी मच सेटिस्फाइड. सो जहां रास्ता लेके जाएगा मैम, मैं जाऊंगा उस पर. सो आई एम जस्ट गिविंग माई बेस्ट. मैं हर दिन को, हर फिल्म को मैं इस तरीके से परफॉर्म करता हूँ हर फिल्म में कि जैसे दिस इज माई लास्ट फिल्म. सो मैं इतना उसमें कैरेक्टर में चला जाता हूँ, इतना उस कैरेक्टर को परफॉर्म करता हूँ उस तरीके से कि दिस इज माई लास्ट फिल्म. सो आई एम श्योर पीपल विल लव रामयुग. बहुत अलग तरीके से मैंने इसकी तैयारी की थी रावण की, और उनको एक डिफरेंट रावण देखने को मिलेगा. वो रावण नहीं मिलेगा जो पहले रावण ऐसे हंसता था. वो रावण बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. बट हिज लुक्स इज स्टाइलिश, बट कहानी वही है रामयुग की.
कहानी से। और इसी से अगला क्वेश्चन कि रामायण जो है ऑलरेडी काफी उसको एक्सप्लॉइट किया जा चुका है इंडस्ट्री में टीवी शोज और एनिमेटेड मूवीज के जरिए, तो ऐसा क्या ये वेब सीरीज नया प्रोवाइड कर रही है कि ऑडियंस इसको देखना चाहेगी और पसंद करेगी? सी कहानी रामायण की बहुत अलग तरीके से लिखी हुई है, बहुत बहुत टाइम से, जैसे बोलते 300 टाइप की लिखी हुई है, बट मुझे रामानंद सागर की जब मैंने देखी तो इट्स ब्यूटीफुल, अच्छे तरीके से बनाई गई थी, बहुत साफ सुथरी है, और जब लोग सच्चाई के साथ काम करते हैं ना तो चीजें बहुत अच्छे से निकल के आती है मैम। सो रामयुग में सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत सच्चाई के साथ काम किया है, विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो विजुअली आई एम श्योर इट बी अ गुड ट्रीट टू पीपल। अभी वैसे भी दे नीड पॉजिटिविटी एंड स्ट्रेंथ, अभी क्या पैंडमिक गोइंग ऑन, सैडनेस एवरीवेयर, एंड दिस प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेटफॉर्म, सी इट्स ग्लोबली सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और रामायण, एक हमने रामानंद सागर जी की रामायण देखी थी और एक अब बहुत सालों के बाद आ रही है। सो मुझे इतने मैसेजेस आ चुके हैं कि सर वाओ, यू नो यू गेटिंग इनटू बॉलीवुड विद अ ग्रैंड, यू नो रावण लुक, दिस ग्रैंड डेब्यू। सो मुझे कम से, जब मेरा ट्रेलर रिलीज हुआ था, हमारा ट्रेलर रिलीज हुआ था, मुझे कुछ पूरे पूरे दिन में 500 मैसेज आए थे, साउथ से कॉल आई थी, बॉलीवुड से कॉल आई थी, जिनको मैं जानता हूँ। सो आई एम श्योर पीपल गोना लव इट, एंड विजुअल्स बहुत अच्छे हैं फिल्म के, सच्चाई के साथ सबने काम किया है, एंड मैंने तो इतने सच्चाई के साथ काम किया कि मैं तो एक सीन में फेंट भी हो गया था। सो I'm वेटिंग, इट्स जस्ट आई थिंक 2 डेज टू गो, टुडेस थर्ड, 4th, 5th, 2 डेज टू गो, पीपल गोना लव इट एंड आई एम श्योर पीपल विल वेलकम मी। साउथ में तो बहुत प्यार दिया लोगों ने, अब बॉलीवुड की बारी है, तो वहां भी जरूर मिलेगा। और कुणाल कोहली के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? जब मैं पहली बार उनसे मिला ना, सो एक होता ना आपके दिमाग में एक पिक्चर होती है कि ओ सर ने तो सारी यशराज की फिल्में की हैं, सर ही इज वेरी बिग डायरेक्टर, उन्होंने फना बनाई, उन्होंने हम तुम इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, सो हम तुम के स्पेशली सॉन्ग्स। तो मैंने कहा यार कुणाल सर से मिलने जा रहा हूँ, तो एक वो है ना हाथ जो मतलब एक थोड़ा सा रहता है हल्का हल्का हाथ, बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है वो। हालांकि मैं जब कुणाल सर से मिला था, मैं कुछ 28 से 30 फिल्में साउथ में कर चुका था, जिसमें मैं मतलब मैं अपना नाम थोड़ा बहुत बना चुका था एंड अवार्ड भी मिल चुका था। सो चीजें हो गई थी, तो बट स्टिल एक होता है कि अब तू कबीर बॉलीवुड वाले डायरेक्टर से मिलने जा रहा है, एक होता है। बट व्हेन ही यू नो मैं वहां पहुंचा, एसोसिएट डायरेक्टर वेलकम्ड मी, वेरी नाइस गाय पुनीत, एंड वी सेट देयर, कुणाल सर आए, हमने तीनों ने कॉफी भी साथ में, उन्होंने बताया दैट यू गोना प्ले रावण, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर दिया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक वो डायरेक्टर वाला इमेज की ओ वो व्हाट्सअप कबीर यू नो आई एम ऑफरिंग यू रावण, नहीं, बहुत अच्छे से हिंदी में बातचीतें की हमने, मैंने अपनी कहानी बताई कि सर मैंने इतना काम किया है, मैंने ये किया है, ये फिल्म की है, ही सेड वी रियली लव योर जिल, एंड 2-3 फिल्में उन्होंने देखी, एसोसिएट ने बोला मुझे, तो अच्छे से कॉफी पे हमने उन्हें बताया, एंड आई सर थैंक यू वेरी मच सर थिंग। उसके बाद हमने रीडिंग करी साथ में, जब उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया मिलने के लिए कि रीडिंग कर सा, वो भी बहुत कंफर्टेबली सेट पर पहुंचा, एंड पहले दिन पहला शॉट मेरा ही था, तो सेट पर पहुंचे तो वहां भी फर्स्ट डे ही केम टू मी कि यस कबीर हाउ यू गोना डू इट शो मी। सो मैंने उनको वो सीन करके दिखाया जब रावण सीता जी को हर के लाते हैं ना, हरण करने जाते, एंड ही वॉज सो हैप्पी सो कॉन्फिडेंट कि मेरा माई एक्टर विल प्ले इट, वो कर लेगा, ही विल प्ले दिस कैरेक्टर। 18 डेज तक कुणाल सर ने कभी मुझे कुछ नहीं बोला, ही गेव मी माई फ्री हैंड कि यू नो कबीर यू डू इट, आई नो यू विल परफॉर्म इट, एंड आप जो करोगे अच्छे से करोगे। तो मेरी बॉन्डिंग उनके साथ बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि डायरेक्टर एक्टर एक्टर, नो वी बहुत अच्छे तरीके चिल्ड आउट करते थे। जैसे सपोज नेक्स्ट डे ऑफ है, हॉलीडे है, तो कुणाल सर के टेरिस पे, जैसे जो होटल में हम रुके हुए थे वहां पर, तो उनका टेरिस था, सो वहां जाकर हम शाम को कॉफी पी रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, एंड वी वर डांसिंग एंड वी वर प्लेइंग वॉलीबॉल। सो तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि एक मेरी पहली फिल्म है, मुझे घर जैसा लगा कि माय सेकंड होम, कि जैसे साउथ मुझे प्यार मिलता है सेट्स पे, सब लोग जानते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स। सो मैं जब यहाँ भी गया था तो दिगंत से मैं पहले मिल चुका था, दिगंत के साथ मैं जानता हूँ दिगंत, ही बिलोंग्स टू कनाडा इंडस्ट्री एंड आई हैव डन 9 फिल्म्स इन कनाडा। सो मैं जानता हूँ विवान को भी मैं जानता था, ऐश्वर्या एंड लक्ष्मण को मैं नहीं जानता था, बट कुणाल सर एंड निहारिका मैम, डीओपी मनीष, सो दे वर लाइक अ फैमिली, साथ में एक साथ जाते थे हम, we created this group ki you have to assemble there at 7:30, we'll leave by 7:30, so har koi time pe aata tha, koi kaise bhag kya raha, koi kaise aa raha, to wo jo 18 din the mere Mauritius mein, it was fab, and I love Kunal sir, he's fabulous person, yes. So
जैसे आपने बोला कि आप शुरू से इंटरनेशनल लेवल पे एक अपनी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, फिलहाल कोई प्रोजेक्ट्स हैं आपके इंटरनेशनल पाइपलाइन में? मैंने अभी 2 महीने पहले अपनी इंटरनेशनल फिल्म साइन की है, दैट इज बांग्लादेश टर्किश कोलैबोरेशन, एंड वो फिल्म 80 कंट्रीज में रिलीज होगी, 80 कंट्रीज में. And this guy, he's a superstar of Bangladesh, Anant Jaleel. He's a big businessman, entrepreneur. So, unke opposite mein aa raha hun. And the best part is, this film gonna release in 80 countries, unki languages mein. Jaise Turkey mein Turkish mein release hogi, Iran mein Irani language mein, Persian language mein release hogi. So, 50% technicians are from Turkey. 40% technicians are from Iran. So, क्या कि सारे languages, 2-3 बड़ी languages के बड़े बड़े actors मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो it will be a different experience for me. And we have this very big Hollywood action director जो Turkey में मेरा shoot है, अभी एक ही दिन का shoot हुआ था ढाका में, and कुछ chunk इन्होंने रामोजी में shoot किया था, but I was not there. तो pandemic की वजह से थोड़ी सी delay हो गई चीजें, तो next schedule mostly मतलब major film जो है 90%, 95% that film will be in Turkey. So I'm very much excited. जैसी चीजें plan की थी, I believe in this book, Secret. So, मैं book बहुत पढ़ता हूँ. Yeah, I have read it. So, मैं बहुत पढ़ता हूँ. मैं जब भी थोड़ा low feel करता हूँ, तो चीजें थोड़ी सी होती नहीं है, तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ. मैं तीनों पार्ट पढ़ लेता हूँ उसके. तो मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा था, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि things will happen. So, I believe in, जब आप चीजें बोलते हो, मैम, तो यूनिवर्स उसको अट्रैक्ट करता है. So, जैसे मैंने साउथ का प्लान किया, जैसे मैंने बॉलीवुड का प्लान किया, कि अभी रामयुग रिलीज हो रही है, नवाज वाली फिल्म रिलीज हो रही है, एंड देन मैं इंटरनेशनल मार्केट में जंप कर चुका हूँ, सी शूट स्टार्ट हो चुका है. सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड जो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे जो करियर का अभी जो टाइम चल रहा है. सो मैम वेरी मच सेटिस्फाइड. आई एम नॉट वेरी मच हंग्री कि मैं बॉलीवुड में सारी फिल्में कर लूँ. जस्ट कि मैं एक साल में एक फिल्म करना चाहता हूँ, एंड वो बहुत अच्छी तरीके से करना चाहता हूँ, उसको तैयार करके. मैं हर जगह मतलब अपने पैर नहीं डालना चाहता, कि मैं होता ना कि मैं यहाँ भी पैर रख लूँ, मैं वहां भी पैर रख लेता हूँ, मैं सब जगह पैर रख लेता हूँ. मैं कहना नहीं, यू हैव टू बी फोकस एंड एक टाइम पर एक चीज. सो मैं इसी चीज पर फोकस कर रहा हूँ. सो आपका ये जो इंटरनेशनल मूवी है, ये इंडिया में भी रिलीज होगी, हमें देखने को मिलेगी? ये मैं अभी नहीं बता सकता आपको. सो ये अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है. Okay. But that's it's a big film. It's a big action film. Right. Okay. So, Bollywood में भी आप कदम रख रहे हैं, जैसे आपने बताया नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ. तो उस मूवी के बारे में आप कुछ बताएं, क्या आपका उसमें रोल है? See, first of all, नवाज भाई is one of my favorite actors. इरफान भाई, and इरफान भाई हमारे बीच में नहीं है, मनोज वाजपेयी, मनोज भाई. So these three are my favorite actors. सो इरफान भाई के साथ तो काम नहीं हो पाया, मनोज भाई के साथ भी आई एम श्योर इन फ्यूचर वेरी सून विल वर्क टुगेदर. नवाज भाई के साथ हुआ, नवाज भाई के ऑफिस से कॉल आई मुझे कि आई एम टेलिंग हाउ आई गॉट दिस फिल्म. सो नवाज भाई से मुलाकात हुई, उनके राइटर ने कहानी सुनाई, एंड पहले वर्ड्स उनके ये थे कि यार देख कबीर, मैंने तेरा काम देखा है, एंड यू आर वेरी गुड इन योर जॉब, आई हैव सीन दिस फिल्म, एंड यार मैंने वो सीन देखा था, बट इन दिस फिल्म यू आर नॉट अ विलन. You are parallel to me. So in this film, I'm equally opposite to Nawaz. It's a parallel lead. And I'm playing anti-hero in the film. Tamanna's brother I'm playing. And anti-hero image hai meri film mein. Main mohabbat bhi kar raha hu, main romance bhi kar raha hu. And main comedy bhi kar raha hu. Aur main ek time par action bhi karunga. So it's just, jaise the film ka graph badhega upar, wo change hoga. And aise the mere character mein shades aayengi. Jaise the film ghumegi, aise the mere characters mein shade hai. So it's a next door guy image. कोई विलन जैसा लुक, बियर्ड है ऑफ कोर्स, बट बहुत ही चिल्ड आउट और बहुत ही जॉली नेचर प्ले कर रहा हूं मैं, जो आज तक इन 40 फिल्मों में दुनिया ऑडियंस ने नहीं देखा है. तो है, क्योंकि सी हमारी शादी होती है, एंड देन हनीमून पे जाते हैं, कॉमेडी करता हूं मैं, एंड एक गाना तो रिलीज भी हुआ जहां पर मैं नवाज सर का स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जो बहुत बड़ा हिट हुआ है, तो तुम पे तो हम मरते हैं. सो बहुत बड़ा हिट हो गया वो सॉन्ग. सो आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद नवाज भाई. So, वो फिल्म है यार, वो डिफरेंट सिनेमा, दिस इज माइथोलॉजी एंड दैट इज डिफरेंट फिल्म. सो दोनों में बहुत अलग एक्टिंग है, एंड वर्किंग विद नवाज भाई, आदित्य श्रीवास्तव, राजपाल यादव, सो आई वाज सराउंडिंग विद ऑल थिएटर एक्टर्स. सो सीखने को बहुत कुछ मिला. शूट के बाद वी यूज्ड टू रन टुगेदर, नवाज भाई और हम बैठते थे, खाना वाना साथ में खाते थे. तो वो कभी नवाज भाई ने फील नहीं होने दिया कि दैट इज अ सुपरस्टार. वो जमीन से इतने जुड़े हुए हैं, क्योंकि
स्ट्रगल तो उन्होंने किया यार 20 साल के बाद उनको पहचान मिली. सो ही इज वेरी हम्बल. एक्चुअली पूरी टीम जो राइटर थे, जय हिंद शमास सर डायरेक्टर जो थे, जो पूरी टीम थी सारे थिएटर वाले थे, टोटली कास्ट थिएटर की थी. सो कोई वो एक वो बीच में होता ना हीरोइज्म और वो कुछ नहीं था. सो रिलीज को लेके कोई अपडेट है? रिलीज को लेके ये अपडेट है मैम कि 4 दिन का शूट बचा हुआ बॉम्बे में भी. सो आई एम एक्सपेक्टिंग आई थिंक मे बी इन अ मंथ टाइम वी विल रैप अप दैट फिल्म एंड देन. अभी तो थिएटर्स का आपको पता है कि चीजें अभी तो सिचुएशन इतनी खराब है बाहर की. एवरी डे आई मैसेज ऑन माई इंस्टा स्टोरीज और मैं लोगों को अपील करता हूँ कि यार अभी बहुत टफ टाइम है, डोंट गो आउट. आने वाले 10-15 दिन बहुत क्रूशियल है. सबको यही मैसेज करता हूँ, इवन आज ट्विटर भी पोस्ट, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. Stay home, stay so safe. Because this home is your shield now. यही आपका रक्षा कवच है. So, दोनों फिल्में रिलीज पे हैं मैम. So, I'm praying. अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि कितना नेगेटिविटी आसपास, नेगेटिविटी नहीं कहेंगे, बहुत क्योस है, सब कुछ उलट पुलट हो रखा है फिलहाल देश में. तो इस टाइम में आप अपने आप को किस तरह मोटिवेट रखते हैं, क्या आपको फील गुड करने के लिए करते हैं? मैम सी मैं मेरा टाइम टेबल, मैम आई एम वेरी पंक्चुअल ऑन माय थिंग्स. मैं मेरा टाइम टेबल नहीं बिगड़ा बिल्कुल भी, चाहे मेरा शूटिंग हो चाहे नहीं हो. मैं टाइम पर उठता हूँ सुबह लाइक 7 o'clock, समटाइम 6:30. मैं उठते ही पहले मेडिटेशन करता हूँ बेड में, पहले उठते ही. जो शुरू की जो सुबह की मेडिटेशन वो द बेस्ट मेडिटेशन. माइंड बहुत पॉजिटिविटी मिलती है. एंड एवरी डे मार्शल आर्ट करना, बॉक्सिंग करना, एंड आई एम वॉचिंग मूवीज. जैसे लास्ट टाइम पैंडेमिक में क्या होता, आई रोट अ फिल्म. सो मुझे टाइम मिला, मैंने फिल्म लिखी. एंड दिस टाइम ऑल्सो आई एम यूजिंग दिस टाइम बिकॉज क्या है कि अभी 6 to 7 फिल्म्स चल रही हैं. जैसी चीज़ें लॉकडाउन खुलेगा, जैसी चीज़ें ओपन होंगी, थोड़ी चीज़ें सेटल होंगी तो काम हो जाएगा शुरू. एंड मैं बस सोने से पहले मेडिटेशन करता हूँ मैम. एंड आई वॉच टू मैनी पॉजिटिव थिंग्स. जैसे मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे जैसे वीडियोज होते हैं सुबह दो आरती लगा लेना, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ ये चीज़. तो सुबह जैसे मैं महादेव भक्त, तो वो तांडव लगा लेना सुबह सुबह, उनकी आरती लगा लेना. एंड देन यू नो टॉक टू माय फैमिली. सो मैं ये भी बोलता हूँ सबको कि यार डोंट फील अलोन, स्ट्रेस मत लो बिल्कुल. यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली. तो इस टाइम में बिकॉज जो अकेला रहता होगा यार वो तो स्ट्रेस से वही हो जाएगा कि बाहर कितना कुछ क्योस चल रहा है. सो मेरा तो स्केड्यूल मैम वही है. मैं अपना आई ईट ऑन टाइम, आई स्लीप ऑन टाइम, आई डू मेडिटेशन अलॉट, आई डू योगा, आई डू जिम एवरी डे. घर पे मैंने सामान सब कुछ ला के रखा हुआ है. एंड आई एम अ पॉजिटिव पर्सन. सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को भी पॉजिटिव कर पाऊँ एंड मैसेज उनको ऐसे ड्रॉप कर पाऊँ कि वो यू नो स्ट्रेस ना ले. सो दैट्स माई स्केड्यूल. सो यहाँ हम एक तरफ जैसे कि सेलिब्रिटीज हैं, आप भी जैसे कह रहे हैं कि लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर में रहिए, जरूरत ना हो बाहर ना निकले और प्रिकॉशंस ले, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज जो है वेकेशंस पे जा रहे हैं, पिक्चर्स एंड वीडियोस, उसको लेके भी काफी बैकलैश भी मिला, काफी एक्टर्स ने उसको लेके बोला. आप इस चीज को कैसे देखते हैं, इस पूरी सिचुएशन को? सी मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा. सी मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि इवन आई डोंट पोस्ट थिंग्स व्हेन आई कुक. आजकल आई डोंट हैव अ बॉय, मैं खुद ही कुक कर रहा हूँ. कुकिंग आई एम एंजॉयिंग माय कुकिंग. सो मैं उनकी फोटोज नहीं डालता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जहाँ खाना नसीब नहीं हो रहा लोगों को. मैं कुछ ऐसा मूवी देखते हुए या म्यूजिक सुनते हुए फोटो नहीं डालता हूँ कि मैं आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ एट माय होम, आई एम वेरी मच हैप्पी. मैं बस कोशिश करता हूँ कि किसी को हेल्प हो जाए. तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि यार आप जा रहे हो जाओ, बट डोंट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया. दैट्स योर लाइफ, यू आर द वन हु गोना टेक दैट मतलब डिसीजन ऑन यू ऑन योर सेल्फ. जो भी आप जो फिल्म कर रहे हो आप करो, जहाँ जा रहे हो. बट बहुत क्योस है बाहर, बहुत बहुत सैडनेस है बाहर, लोग मर रहे हैं. देन सो मैं आई सी थिंग्स, I just can pray. मैं बस pray कर सकता हूँ यार कि चीजें normal हो जाएं. बस मैं इतना ही कर सकता हूँ. बट पोस्ट नहीं होनी चाहिए. आप करो enjoy, आप उनकी लाइफ है यार. वो जैसे जिएंगे, जैसे जीना चाहते हैं वो जिएंगे. हम कोई नहीं है उसमें बोलने वाले. जस्ट डोंट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, डोंट टेल anyone. इफ आई एम मैं गोइंग somewhere, मैं won't कि मैं यहाँ जाकर पार्टी करूंगा आज रात को.
और अभी तो सिचुएशन क्या पार्टी यार, मेरे को तो आई यूज टू डू पार्टीज व्हेन आई वाज अ मॉडल. उसके बाद जब मैंने साउथ में काम करना शुरू किया तो मेरा टाइम टेबल ही बदल गया पूरा. कि सी आई नो वन थिंग कि फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड मैन एंड मैं आज 5 सालों में कहां पहुंचा हूं, तो मैं उस दिन को नहीं भूलता हूं मैंने कहां से स्टार्ट किया था. और मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज बोली है कि मॉम डैड ने कि भैया आप चाहे 100 फिल्में कर लो, चाहे 150 फिल्में करो, चाहे आप बहुत बड़े विलन बन जाओ, बट सक्सेस को सर पे मत चढ़ने देना कभी. तो आई मेक श्योर कि आई प्रे एवरी डे दैट यू नो कभी भी ऐसे कोई मुंह से बात ना निकल जाए कि किसी को ये लगे कि हाँ घमंड अहंकार आ चुका है. अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था मैम, जाते जाते भी उसने मतलब जब लक्ष्मण जी उनके चरणों में बैठे थे कि राम जी ने श्री राम ने उनको बोला था कि जाके ज्ञान की बात सुन क्या, जब मृत्युशिला पर लेटे हुए थे रावण, मृत्युशिला पर लेटा था रावण, सो उन्होंने बोला था लक्ष्मण को कि आपको पता है मैं क्यों युद्ध हारा लक्ष्मण, तो उसने बोला कि मैं चरित्रहीन हूँ तुम चरित्रवान हो. तो अहंकार कभी आना चाहिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका. तो अपना काम करो, इज्जत करो लोगों की एंड जस्ट फोकस ऑन योर वर्क. फोकस रहोगे तो चीजें मिल जाएंगी. अगर जहां इधर उधर आंखें दौड़ाई डगमगाए तो वो है ना कहावत एक लिखी हुई है, मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी. तो ये बॉलीवुड की लाइन ऐसी है, चकाचौंध की दुनिया ऐसी है, यहाँ पर यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू, ऐसा नहीं है कि मुझे एक फिल्म मिल गई तो मैं अब मेहनत छोड़ दूंगा. मेरी लड़ाई मैंने अगर एक फिल्म कर ली तो मेरी अब दूसरी फिल्म की लड़ाई शुरू होगी. मैं ये नहीं सोचता कि आज एक फिल्म कंप्लीट हो गया, मैंने आज रामयुग साइन कर लिया कि नवाज वाली फिल्म रिलीज पे, कि मैं अब फाइट करना छोड़ दूंगा, मैं अपने आप को काम करना छोड़ दूंगा. सी ये टाइम जो मिला अभी यार, आई एम यूटिलाइजिंग दिस टाइम, मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवीज, आई एम राइटिंग थिंग्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स. जैसे मैंने रावण की भी तैयारी की थी तो मैं रावण साहित्य मैंने पढ़ा था जब मैं रावण की तैयारी कर रहा था, तो मैंने रावण के बारे में सारी चीजें की, कहाँ जन्म लिया, किन के पुत्र थे वो, कैसे उनके पास इतनी शक्तियां आई, तो सारी चीजें पढ़ी मैंने. स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी मैंने रावण के लिए, रामयुग के लिए. सो इजी नहीं था, बट वो एक कहावत है, हिम्मत है तो मदद है, हिम्मत है खुदा, समथिंग है ना वो. I get it, I've heard of. हाँ तो वो चीज, आई एम हैप्पी यार, आई एम सेटिस्फाइड एंड मोर ओवर माई फैमिली इज हैप्पी. मेरे लिए उनकी खुशी बहुत मैटर करती है, वो खुश है तो मैं खुश हूँ. तो लाइक आई सेड कि एक चीज नहीं भूलता मैं, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड आई विल नॉट फॉरगेट दिस. और ये एक तरह से जरूरी भी है ग्राउंडेड रहना अपनी लाइफ में. मैं एक्टिंग करनी है तो फिल्मों में कर लूँ ना, रियल लाइफ में क्यों एक्टिंग करनी है. वी नीड लव, स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी. तो मैं आज मुझे इतने लोग मैसेज करते हैं हरियाणा से, जैसे लोगों को ये पता लगा कि रणदीप हुड्डा के बाद एंड जयदीप अहलावत के बाद कि दिस गाय, जिनके हम फिल्में देखते हैं, लोगों को ये नहीं पता दिस गाय इज फ्रॉम हरियाणा. सो ये नहीं पता था लोगों को, जो मतलब अभी टीवी पर कुछ 22 फिल्म्स आर रनिंग डब्ड होके मेरी. सो लोगों को ये नहीं पता था, पीपल लव्स मी, बट उनको ये नहीं पता कि यार दिस गाय इज फ्रॉम हरियाणा. सो जब उनको पता लगा तो वो मुझे मैसेज करते हैं, सब कहते हैं सर हमें भी विलन बनना है, हमें भी साउथ में काम करना है. आप मानोगे नहीं, एवरी डे 50-60 मैसेज आते हैं एवरी डे. मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, आई डू रिप्लाई देम एंड बोलता हूँ कि अगर एक्टिंग करनी है तो अगर इस लाइन में आना है तो बॉम्बे ऐसे मत आना. आई रिप्लाई देम, मैं क्यों, मुझे कोई बताने के लिए नहीं था उस टाइम, बट आई कैन टेल देम कि वट यू शुड गाइज डू, आप लोग क्या करना चाहिए कि यू नो थिएटर्स हैं दिल्ली में, 2-3 थिएटर वर्कशॉप करो, थिएटर्स करो, देन कम टू बॉम्बे. वेन यू आर रेडी देन कम टू बॉम्बे, बिना रेडी होके बॉम्बे मत आओ, बिकॉज बॉम्बे बहुत ही खतरनाक सिटी है. तो आप रेडी नहीं हो, आपको चीजें नहीं पता होंगी, तो आप यहाँ क्या करोगे. सो मैं बोलता हूँ, मैं इवन उनको कॉन्टेक्ट्स भी देता हूँ कि गो टू दिस थिएटर ग्रुप एंड यू नो जब वहां पर 1-2 साल थिएटर करो आप, व्हेन यू आर रेडी, व्हेन योर गट फीलिंग सेज की, व्हेन योर हर्ट सेज की यू आर रेडी नाउ, देन कम टू बॉलीवुड एंड फाइट इट. सो आपने जैसे ऑलमोस्ट 40 फिल्म्स कर ली है साउथ की, can you really speak, आप कितने fluent हैं वहाँ की languages में? मैं मुझे आज भी अपना, जब मेरे पहली फिल्म थी जो जिल, पहला दिन पहला डायलॉग वो भी क्लोजअप, वो आज भी मुझे याद है. वीडियो नन्नू मौसम चेसाड़ू अन्ना बात करना अस्चार मिकुगा उंडी वाड़ी मुगम. सो मैं अपने डायलॉग्स याद करता हूँ मैम आज भी. अगर मुझे, जैसे कल मुझे सीन्स, जो मेरे कल 3 सीन्स है, मैं आज रात को डायलॉग्स मंगा लूंगा एंड आई लर्न माई डायलॉग्स. मैं जब शुरू में तेलुगु में काम कर रहा था तो आई हैव डन सम 22 फिल्म्स. शुरू में ना बैक टू बैक फिल्में तेलुगु में की थी बिकॉज माई डेब्यू इज फ्रॉम तेलुगु सिनेमा.
सो मैं थोड़ा थोड़ा क्लोज था तेलुगु के, एंड मैंने एक फिल्म में अपनी आवाज भी दी है. फिल्म नेम इज जेसी, बड़ी हिट थी मेरे करियर की वो फिल्म, हॉरर फिल्म है. सो देन आई मूव टू तमिल, देन आई मूव टू कन्नड़ा, एंड देन आई मूव टू मराठी नाउ, एंड आई एम कमिंग टू बॉलीवुड नाउ, एंड आई एम गोइंग टू टर्की नाउ. सो आई एम लर्निंग टर्किश इंग्लिश स्लैंग जो होता है ना. सो मैं आई लर्न माई डायलॉग्स मैम. तो मैं इतना अगर मैं एक लैंग्वेज में काम करूंगा बैक टू बैक, सपोज 6-7 फिल्म्स अगर मैं बिजी हूँ, लाइक सपोज 7 महीने 8 महीने, सो वो मेरे पकड़ बन जाती थी थोड़ी बहुत. बट अगर मैं जैसे मैं एक फिल्म कन्नड़ा कर रहा हूँ, एक फिल्म तेलुगु कर रहा हूँ, और मेरी फिल्में सारी ऐसी चली कि मैं तमिल भी कर रहा हूँ, मैं कन्नड़ा भी कर रहा हूँ, तेलुगु, तो तीनों अलग लैंग्वेजेस है. सो मैं डायलॉग्स मुझे इजिली याद हो जाते हैं, क्योंकि मेरी अभी हैबिट हो गई कि 40 फिल्में हो गई, सो मुझे डायलॉग्स मिलते हैं. तो मैं रात को अगर सपोज इट्स 2-liner डायलॉग, सो मैं मॉर्निंग में याद कर लेता हूँ विद मीनिंग एंड ऑल, सो दैट आई कैन इमोट वेल. और अगर बड़े लेंथी डायलॉग है तो मैं रात को मंगाता हूँ, और बहुत बड़े हैं तो फिर ऊपर वाले को हाथ जोड़ देता हूँ. फिर आरती लगा लेते हैं. हाँ, फिर आरती लगा लेता हूँ कि भैया जस्ट तू संभाल लेना. सी मैं आई जस्ट से वन थिंग कि देख आप यहाँ तक लेके आयो, आगे भी संभाल लेना. सो आई हैड नो गॉडफादर, नथिंग, 40-41 फिल्म्स, एंड I'm happy, yeah. So I'm gonna settle soon in my life. I'm gonna get married soon. So we'll have kids, and I'm happy. I'm not very much hungry for things. Ki yaar, ki ye bhi chahiye, wo bhi chahiye. You know, everything comes with time, ma'am. Aap mehnat karo, patience rakho, it will come. Jo aapka hai, wo aapko hi milega, wo kahin aur nahi jayega. It will come. It will come to you only. Yeah. So aur marriage ka kya scoop hai? मैरिज का स्कोप आई वाज वी वर प्लानिंग इन जून, बट वी पोस्टपोन इट बिकॉज़ ऑफ कोविड, बिकॉज़ थिंग्स आर नॉट राइट एंड इट्स नॉट सेफ, सो वी पोस्टपोन अप टू दिसंबर नाउ. एंड हू इज द गर्ल? माय हर नेम इज डॉली सिद्धू. शी इज वी ऑलरेडी एंगेज्ड, एंड लास्ट ईयर वी गॉट एंगेज्ड. शी इज अ सिंगर, शी इज अ प्लेबैक सिंगर, एंड आई एम हैप्पी आई हैव हर इन माय लाइफ. Congratulations. Thank you, ma'am. Yeah. So, wrap up करते हैं. कोई message अपने fans के लिए? I just wanna say, अभी situations बहुत tight हैं बाहर, बहुत खराब वक्त चल रहा है pandemic में. Just stay home, stay safe, and अगर necessary नहीं है बाहर जाना तो बाहर मत जाओ, घर पे रहो, क्योंकि आपका घर ही रक्षा कवच है. Because if you are safe, your family is safe, your loved ones are safe. And keep loving me the way you are loving your villain from last 5 years. And just stay safe, yeah. Things will be fine soon. Jaldi ho jayengi cheeze theek. Positive. So, thank you, Kabir. It was such a good conversation. And all the best for Ramyug and your film Bole Churiya with Nawazuddin Siddiqui. Thank you, ma'am. So nice talking to you. Thank you.